ब्लैक थ्रिप्स ब्लैक थ्रिप्स ब्लैक थ्रिप्स, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक थ्रिप्स मिर्च के फसल के ऊपर या फिर शिमला मिर्च के फसल के ऊपर तबाही मचा के रख दे रहा है लगभग 2 से 3 साल से। और ब्लैक थ्रिप्स को किसान भाई बहुत सारे दवा छिड़काव करते रहते हैं, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आज हम बहुत दिन बाद लेकर आए हैं ब्लैक थ्रिप्स को कैसे आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स से बचना है तो क्या क्या स्टेप अपनाना पड़ेगा, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को पूरे डिटेल्स में समझ आ जाएगा कि ब्लैक थ्रिप्स से हम लोगों को कैसे बचेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक थ्रिप्स क्या है। ब्लैक थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट है, यानी कि रस चूसक कीट है, जो कि इसका बॉडी का कलर ब्लैक कलर का होता है और इसीलिए इसको ब्लैक थ्रिप्स कहा जाता है। ब्लैक थ्रिप्स के अलावा पीला थ्रिप्स भी होता है या फिर व्हाइट थ्रिप्स भी होता है, लेकिन ब्लैक थ्रिप्स एक ऐसा सकिंग पेस्ट है जो कि एक बार अगर मिर्च के फसल में या फिर शिमला मिर्च के फसल में फैल जाता है तो ये पूरा एकदम फसल को तहस नहस कर देता है। उसके अलावा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मुताबिक एक रिपोर्ट आया है कि ब्लैक थ्रिप्स लगभग 2 से 3 साल से बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है साउथर्न स्टेट जो होता है उस वाले स्टेट में, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु, इस वाले स्टेट में बहुत ही ज़्यादा ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है। और वहाँ पे दोस्तों ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप लगभग एक बार जिस फसल में हो रहा है, ज़्यादातर तो मिर्च और शिमला मिर्च की खेती होता है साउथर्न स्टेट की तरफ, लेकिन मिर्च और शिमला मिर्च में सबसे ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। और एक बार अगर इसमें प्रकोप हो जा रहा है तो लगभग 50 से 80% तक नुकसान करवा देते हैं किसान भाई को। और अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस राज्यों में भी ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल जाएगा ब्लैक थ्रिप्स। और अगर एक बार फैल जाएगा तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज हम बाद में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप लोग ब्लैक थ्रिप्स को बांच सकते हैं और ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या दवा होता है, एग्जैक्ट हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप अगर मिर्च या फिर शिमला मिर्च के फसल में एक बार हो जाएगा तो क्या क्या नुकसान पहुँचाता है ये। सबसे पहले तो ये पत्ते के क्लोरोफिल को चूसने पर पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ने लगता है और धीरे धीरे पत्ते में पीला और धब्बेदार दिखाई देता है। उसके अलावा फूल में अटैक होने पर परागण सही से नहीं हो पाता है, जिससे फूल से फल सेट होने पर बाधा डालता है। उसके अलावा फूल नीचे सूखकर गिर जाता है, तब हम लोगों को पता चलता है कि इसमें फूल ड्रॉप हो रहा है। और इस सिचुएशन पे काफ़ी सारे किसान भाई इसके ऊपर बहुत सारे PGR, बहुत सारे NPK युक्त जो खाद होता है छिड़काव करते रहते हैं ताकि फ्लावर ड्रॉप ना हो, तो लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं हो पाता है। जब ब्लैक थ्रिप्स का आप लोगों का फसल में अटैक हो जाएगा तो फ्लावर ड्रॉप हो सकता है और अब उसको आप लोगों को पहचानना चाहिए कि ब्लैक थ्रिप्स का अटैक हुआ है। तो ब्लैक थ्रिप्स का पहचानने का तरीका सबसे आसान हो जाएगा कि अगर आप लोगों का मिर्च के फसल में ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप हो रहा है तो फ्लावर के ऊपर आप लोगों को थ्रिप्स दिखाई देगा, लेकिन वो काला कलर का होता है, इसलिए तुरंत वो दिखाई देता है कि इसमें काला काला एक सकिंग पेस्ट उसके ऊपर अटैक हुआ है, तब आप लोग उससे पहचान सकते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप इस तरीके से होता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि ब्लैक थ्रिप्स को हम लोग कैसे मिर्च या फिर शिमला मिर्च के फसल पर ना अटैक होने दे, या फिर एक बार अगर अटैक हो जाएगा तो उसको हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च के फसल में कैसे हम लोग ब्लैक थ्रिप्स को नहीं लगने देंगे। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे काम के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है शुरू से। जैसे कि अगर आप लोग जिस टाइम पे मिर्च या फिर शिमला मिर्च के फसल में जब खाद डालते हैं, जब मिट्टी चढ़ाते हैं, तो उस समय पर आप लोगों को 10-26-26 जो NPK आता है या फिर जो DAP खाद डालते हैं, तो जो भी खाद डालते हैं उस समय पर एक आप लोगों को दवा उस समय पर मिला करके डालना है, वो होता है आप लोगों का रिजेंट अल्ट्रा। और रिजेंट अल्ट्रा आप लोगों को लगभग 4 से 5 किलोग्राम खाद के साथ मिला करके उस समय अगर डाल देते हैं तो आप लोगों को ब्लैक थ्रिप्स से बचा सकते हैं। और उसके अलावा सिर्फ यही काम कर दिया तो ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, वो काम करने के बाद भी ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप हो सकता है। उसके लिए आप लोगों को प्रिवेंटिव रूप से दवा को छिड़काव करते रहना चाहिए अलग अलग दवा को, जैसे कि इमिडा क्लोरोफिल 17.8% जो SL फॉर्म पे मिलता है उसको आप लोगों को लगभग 15 ml 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करते रहना चाहिए। या फिर आप लोगों को एसीटामाप्रिड 20% SP मिलता है, या फिर फिप्रोनिल मिलता है, रिजेंट एससी नाम पे मिलता है, बहुत सारे दवा मिलता है, इस दवा को आप लोगों को घुमा फिरा के आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए 7 से 8 दिन अंतराल पे, तभी आप लोगों को जाके देखने को मिलेगा कि ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप नहीं हो पाएगा। और ये सब काम करने के बाद भी अगर आप लोगों का ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप एक बार हो जाता है
तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा अलग प्रकार की सिस्टम अपनाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को ड्रेंचिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ड्रेंचिंग अगर आप लोग करते हैं इंसेक्टीसाइड को तो पूरे पौधे में ये फैल जाता है इंसेक्टीसाइड, जो कि ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप नहीं हो पाता है। और ब्लैक थ्रिप्स अगर हो भी जाएगा तो उसको ये तुरंत कंट्रोल कर देता है, जैसे ब्लैक थ्रिप्स पत्ते का या फिर फूल का रस चूसता है तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ड्रेंचिंग के लिए हम लोग कौन कौन सी दवा को कितने मात्रा में ड्रेंचिंग करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग एसीटामाप्रिड जो 20% SP आता है, जो कि बाज़ार में एक का नाम पे मिलता है, पाउंड नाम पे मिलता है, किसी भी कंपनी का अच्छा खासा ब्रांड का ले सकते हैं, और 500 ग्राम लगभग एक एकड़ के हिसाब से आप लोगों को ड्रेंचिंग कर देना चाहिए, या फिर अगर आप लोग ड्रिप से चलाना चाहते हैं तो भी आप लोग चला सकते हैं। उसके अलावा इमिडाक्लोपीड जो 17.8% में मिलता है, कॉन्फिडोर नाम पे मिलता है या फिर मीडिया सुपार नाम पे मिलता है, इस दवा को भी आप लोगों को ड्रेंचिंग में ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ड्रेंचिंग करना है। और उसके अलावा दोस्तों ड्रेंचिंग करने के बाद अगर आप लोग ऊपर से एक स्प्रे ले लेते हैं तो और भी बहुत सारा फायदा मिलता है ब्लैक थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए आप लोग कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे, जैसे कि हेक्साथियोजोक्स जो 3.5% का और उसके साथ साथ डाइफेनथ्यूरोन का एक कॉम्बिनेशन मिलता है, बाजार में केनिस्टर नाम पे मिलता है कोरोमंडल का, इसको आप लोगों को 260 ग्राम प्रति एकड़ में आप लोग 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग स्पाइनोट्रम जो 11.7% SC फॉर्मुलेशन में मिलता है उसको भी आप लोग 10 से 12 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग एक्सपोनास जो मिलता है बाजार में अभी नया प्रोडक्ट आया है उसको भी आप लोग ले सकते हैं 4 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग अपनाते हैं मिर्च या फिर शिमला मिर्च के फसल में तो ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप नहीं होगा, और अगर एक बार हो जाएगा फिर भी आप लोग इस दवा को छिड़काव करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों का फिर भी कुछ मन में सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।